चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन प्रोसीजर कैसा होगा वो हमने देख लिया था। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन लेंगे तीनों पैटर्न के, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा, और विथ बोथ द मेथड्स, डायरेक्ट एज वेल एज शॉर्टकट। तो ये लेक्चर लंबा होने वाला है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके बेस पर कई सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लुक एट द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑफ गिवन फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड्स। ईयर 1965, 66, 67, 68, 69 एंड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज 10,612, 10,610, 10,600 एंड सो ऑन अप टू 10,638। तो कौन सा डेटा है? देखो, ईयर जो है ना वो तो आइडेंटिफिकेशन है, डेटा जो है वो वेरिएबल है, वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितनी बार रिपीट हुआ वैसी फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन हुआ रॉ डेटा का, रॉ डेटा का क्वेश्चन है। चलो दोनों पैटर्न से मुझे सॉल्व करना है, तो पहले हम करेंगे अंडर डायरेक्ट मेथड क्या कर सकते हैं। सो अंडर डायरेक्ट मेथड ईयर एंड प्रॉफिट, और जिसका एवरेज निकलना है वो प्रॉफिट है और उसको मैं बोलूंगा एक्स। ईयर कौन सा है? 1965, 66, 67, 68, 69, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट का वैल्यू 10,612, 10,610, 10,600, 10,625 एंड 10,638। रॉ डेटा है, डायरेक्ट मेथड है, पहले क्या करेंगे आप बोलोगे सर सभी एक्स वैल्यू का टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल क्या हो रहा है। टोटल हो रहा है 53085। अभी एक्स बार का वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से सिग्मा एक्स अपॉन एन 53085, एन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 5 है, तो फाइनल आंसर होगा 10,617 रुपीज। देखो यहाँ यूनिट जो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में डेटा रुपीज में है तो फाइनल आंसर भी रुपीज में होगा। सपोज हम वेट का एवरेज निकालते हैं स्टूडेंट्स के, और वेट का यूनिट केजी है तो एवरेज भी केजी होगा, ठीक है। हाइट का एवरेज निकालते हैं और हाइट का यूनिट सेंटीमीटर है तो एवरेज का यूनिट भी, मतलब ये हुआ कि एवरेज का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट हैज टू बी मेंटेन, क्वेश्चन का जो यूनिट है वही यूनिट आंसर में मेंटेन करना है, ये याद रखो। दैट मींस एक नया पॉइंट आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि एरिथमेटिक मीन इज नॉट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नॉट फ्री फ्रॉम मतलब फ्री नहीं है यूनिट से, इसको यूनिट ना लिखो तो चले ऐसा नहीं है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट मीन्स यू नीड टू मेंटेन द यूनिट ऑफ क्वेश्चन इन द आंसर, ये इसका मतलब है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, देखते हैं शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शॉर्टकट मेथड में डेटा तो वही है, ईयर एंड प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट में एक्स के बजाय मैं डी लूंगा, और डी का मतलब करेंगे एक्स माइनस 10,600। यहां जो 10,600 है उसको मैं ए एज्यूम कर लूं। अब यहां पर स्टूडेंट के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सर मुझे डी के वक्त एक्स माइनस ए में ए 10,600 ही ले सकते, 610 नहीं ले सकता, 625 वाला नहीं ले सकता। मैं बोलूं इनमें से कोई भी ले सकते, नंबर एक।
दूसरा ये भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से किसी को ले, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए कि कैलकुलेशन इजी बन जाए, कैलकुलेशन में इजनेस डेवलप हो। तो उसके लिए कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए उसकी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेपरेटली एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या लेना चाहिए ए में, उसके लिए एक सिंपल सा गाइडिंग प्रिंसिपल है और हमारे क्लासरूम के लिए हम वही प्रिंसिपल कंपलसरीली फॉलो करेंगे। आपने पहले कुछ और भी पढ़ा हो तो उसको भूल जाइएगा, मैं जो प्रिंसिपल दूँ उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये क्यों है, ये काम क्यों कर रहे हैं, वो बाद में बेनिफिट आपको पता चलने वाला है कि इसी गाइडिंग प्रिंसिपल से काम करने का फायदा क्या है। ये चैप्टर में नहीं, लेकिन आगे के कुछ चैप्टर में फर्दर स्टैटिस्टिकल स्टडी जब करेंगे तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और पता भी चलेगा कि ये हैबिट डेवलप करने का क्या फायदा है। अभी तो सिंपल सा टास्क है, हमने कोई भी ले सकते उस हिसाब से 10,600 को ले लिया, 10,612 माइनस 10,600 करेंगे तो डिफरेंस बनेगा 12, यहाँ डिफरेंस होगा 10, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 25 और यहाँ होगा 38। अब मुझे x का टोटल नहीं करना है, मुझे टोटल करना है d का, और d का टोटल करें तो कुछ 85 हो रहा है, ये मेरा सिग्मा d है। अब क्वेश्चन है x बार इज a प्लस सिग्मा d अपॉन n, a का वैल्यू है वी जस्ट ऑब्टेन 10,600, सिग्मा d 85/5, इसका मतलब हुआ 10,600 प्लस 17, और ये दोनों को ऐड करें तो फिर से 10,617 रुपीज। सो डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट मेथड हो, आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट डेटा हो तो अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट और शॉर्टकट से कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेंगे। चलिए गाइडिंग प्रिंसिपल देखते हैं। चलिए अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर शॉर्टकट मेथड में ए किसको ले और सी ले या ना ले, ठीक है। तो उसका डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। ये एक चार्ट है जो आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है, इससे आप काफ़ी इजीली काम कर पाओगे। और स्टेटिस्टिक जब तक पढ़ो ये रूल याद रखो या ये गाइडिंग प्रिंसिपल याद रखो तो अच्छी बात है। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसका ये मतलब हुआ कि इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप इसके अलावा भी किसी और वैल्यू को ए और सी लेके काम कर सकते हैं, लेकिन उससे काम डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन प्रोसीजर कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो वो ध्यान में लेके हमने ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपके सामने रखे हुए हैं और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। समझिए कि जब मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करता हूं तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि शॉर्टकट मेथड में d का मतलब x माइनस a करना है या d का मतलब x माइनस a अपॉन c करना है, मतलब सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन करना है या चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों का काम करना है, ये मुझे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। पहले ये डिसाइड करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे कि ए किसको बनाए और ये पैटर्न में जाए तो ए और सी किसको बनाए। तो पहले ये दोनों में से कौन सा पैटर्न लेना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, वो डेटा का ऑब्जर्वेशन सभी इक्वल डिस्टेंस पर है, ऑब्जर्वेशंस आर इक्विडिस्टेंट, आप ये देख लो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में 4, 6, 8, 10 ऐसे दो दो की गैप हो या 5, 10, 15, 20 ऐसी पांच पांच की गैप हो, तो गैप जो है वो सेम है ऑब्जर्वेशन की। डिस्क्रीट डेटा है तो अभी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पर है, ग्रुप डेटा है तो हर क्लास की साइज सेम है या डिफरेंट है वो देखो।
ऑब्जर्वेशन इक्विडिस्टेंट है या नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन इक्विडिस्टेंट ना हो तो सिर्फ d इक्वल्स टू x माइनस a लेना है, और ऑब्जर्वेशन इक्विडिस्टेंट हो तो d इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन c भी लेना है। तो कब हमको सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन का यूज करना है और कब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का यूज करना है, उसका पहले से ये क्लैरिटी हो गया कि ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो हम सिर्फ d इक्वल्स टू x माइनस a लेंगे, और ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पे है तो d इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन c लेंगे। तो दोनों केस पहले से क्लियर हो गए। अब फर्स्ट केस है, तो यहां एक ही पॉइंट है कि a किसको बनाए, और सेकंड केस है तो दो क्वेश्चन होंगे, a किसको बनाए और c किसको बनाए। ठीक है, चलिए तो पहले लेते हैं केस वन, जिसमें सिर्फ हमको a किसको बनाना है वही डिसाइड करना है। तो उसका सिंपल सा मैं बोल दूं कि आप कोई भी वैल्यू को a बना सकते हो, सेंटर पार्ट में होनी चाहिए, पूरे डेटा को देख के आपको जो भी कंफर्टेबल वैल्यू लगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पार्ट में हो उसमें से लो। लेकिन जरूरी नहीं कि आप डेटा सेट वाली ही वैल्यू लो, डेटा सेट में से भी ले सकते हैं, डेटा सेट के बाहर की वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे कि सपोज ऐसी वैल्यू है कि 35, 80, 45, 46, 95, तो ये सभी वैल्यूज में मुझे सेंटर में कहीं पर मुझे लगता है कि 50 के आसपास सभी वैल्यू है, सब इसका सेंटर निकाले, तो मैं ऐसे केस में d इक्वल्स टू x माइनस 50 ले सकता हूं। सर 50 तो पूरे डेटा में है ही नहीं, फिर भी ले सकते हैं। कोई के मुझे 45 कंफर्टेबल लगता है तो वो 45 भी ले सकता है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं देखो डिस्टेंस इक्वल तो है नहीं, डिस्टेंस इक्वल नहीं है इसका मतलब सिर्फ ए लेना है, और सिर्फ ए लेना है तो मुझे जो फिगर कंफर्टेबल लगे लेकिन मोर और लेस डेटा सेट की कहीं सेंटर पार्ट में हो ऐसी वैल्यू। किसी को लगे कि ये 45 ही ले ले तो ले सकता है, किसी को लगे नहीं मुझे 50 लेना है, 50 डेटा सेट में है भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है तो भी मैं 50 ले सकता हूं। तो टेक ए एज एनी वैल्यू फ्रॉम सेंटर comfortable for calculations. It is not necessary to take A from the data set values only. सिर्फ data set में से ही लो ऐसा जरूरी नहीं है, ले भी सकते हैं नहीं भी लो तो भी चलेगा, कोई भी comfortable value आप ले सकते हैं। अब आते हैं कि observation equal distance पर है तो क्या करेंगे। जब ऑब्जर्वेशन इक्वल डिस्टेंस पर है तो पहले तो केस टू मतलब डी का मतलब एक्स माइनस ए अपॉन सी होगा। इसका यह मतलब हुआ कि हमें ए कैसे लेना है और सी कैसे लेना है दोनों चेक करना पड़ेगा। तो क्लियर है कि ऐसे केस में जब आप सी भी ले रहे हो तो सी तो इक्वल डिस्टेंस जो है वही लेना है, ए किसको लेंगे तो डेटा सेट में से ही सेंटर का कोई वैल्यू लेंगे, डेटा सेट में से ही, यहां जरूरी नहीं था, यहां जरूरी मैं बना देता हूं, टेक ए फ्रॉम द डेटा सेट वैल्यूज ओनली विच इज लाइंग एट सेंटर एंड टेक सी इक्वल्स टू इक्वल डिस्टेंस। मान के चलो कि ऑब्जर्वेशन इस तरीके के है 10, 50, 20, 25, 30, 35, तो 5-5 का गैप है तो कंपलसरी D का मतलब होगा डिवीजन में C इक्वल्स टू 5, और सेंटर में से ही या तो 20 या 25 दोनों में से कोई भी एक को आप A बना दो, ठीक है। और ऐसे केस में ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 2 और ये 1, 2, 3 होगा। कब ऐसा होगा, जब आप सेंटर में लेते हो उसको 0 बना दो, लोअर साइड पे -1, -2 और +1, 2 कैलकुलेट करोगे वही आएगा। लेकिन जब भी सी फैक्टर यूज करते हैं तब डेटा सेट में से ही किसी एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे, और सी फैक्टर यूज नहीं करते हैं तो कोई भी वैल्यू ले सकते, डेटा सेट में से लो या डेटा सेट की बाहर की लो, आपको कंफर्टेबल लगे ऐसी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो चलिए दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, गाइडलाइन खत्म हो गई, किसको ए बनाना है किसको सी बनाना है ये आपको समझ में आ गया। अभी एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं डिस्क्रीट का, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप पे।
तो वन बाय वन सभी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, हाइट इन इंचेस एंड नंबर ऑफ पर्संस। लेकिन यहां पर आपको कौन सा मेथड ये सजेस्ट नहीं किया है, डायरेक्ट या शॉर्टकट, आप किसी भी मेथड से जा सकते हो, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं दोनों मेथड से इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेंगे डायरेक्ट मेथड और बाद में लेते हैं शॉर्टकट मेथड। तो लिख लेते हैं अंडर डायरेक्ट मेथड, डिटेल्स है हाइट इन इंचेस, हाइट इन इंचेस जिसको हम बोलेंगे एक्स, उसकी वैल्यू है 58, 60, 62, 64, 66 एंड 68। उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 20, 13, 8, 5। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, सिंपल सा काम है सर, x और f को मल्टीप्लाई करो, एक नया कॉलम बनेगा f इंटू एक्स, जिसमें आपको 58 इंटू 12, 60 इंटू 14, 62 इंटू 20, 64 इंटू 13, 66 इंटू 8 एंड 68 इंटू 5, ये सभी प्रोडक्ट वैल्यू लिखनी है। चलिए वो प्रोडक्ट वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, और आप वेरीफाई का एक बार पॉज लेके वेरीफाई कर लीजिएगा फाइनल आंसर आपका बराबर है कि नहीं। आप कैलकुलेशन शुरू कीजिए, सभी कैलकुलेशन यहां पर रख दिए हैं, आप वेरीफाई कर लो। 696, 840, 1240, 832, 528, 340 टोटल हो रहा है 4476 और f का टोटल हो रहा है 72। आपको मालूम है इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स और ये हो जाएगा n। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, मतलब 4476 डिवाइड बाय 72 और इसका आंसर आ रहा है, इफ यू कैलकुलेट इट, 62.166 आएगा, लेकिन आप उसको 17 और यूनिट हैज टू बी मेंटेन, तो इंचेस लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड में कैसे काम करते हैं डिस्क्रीट डेटा में, वो हमने देख लिया, अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। ओके, चलिए शॉर्टकट मेथड में x और f तो वही रहेंगे, 58, 60, 62, 64, 66, 68 एंड फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही 12, 14, 20, 13, 8 एंड 5। चलो डायरेक्ट के बाद शॉर्टकट है तो x को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा d में। जब d में कन्वर्ट करूंगा तो मैं पूछूंगा कि ऑब्जर्वेशन इक्विडिस्टेंट है, हाँ इक्विडिस्टेंट है, दो दो का गैप है, इसका मतलब c फैक्टर यूज करना है, ठीक है। तो सी फैक्टर जब यूज करना है तो डेटा सेट में से ही सेंटर में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो। कोई बोले सर मैं 64 को करूं, चले, हाँ चले, दो सेंटर में दो वैल्यू है तो किसी एक का चॉइस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए d इक्वल्स टू x माइनस 62 और c किसको लेना है, ये जो इक्वल गैप है उसी को c लेना है, 52, 60, 62 दो दो का गैप है तो मैंने c 2 लिया, पांच पांच का गैप होता तो मैं 5 लेता, 10 का गैप हो तो 10, हमेशा 2 नहीं लेना है, ठीक है, जो गैप है उसी को लेना है। चलिए तो इधर मैं रखूंगा 0, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2, ये 1 2 3। इसके बाद मुझे एक और कॉलम डिजाइन करना पड़ेगा, वो है f इंटू डी, ये है माइनस 24, माइनस 14, 0, 13, 16 एंड 15। चलिए मुझे fd का टोटल करना पड़ेगा, fd का टोटल हो रहा है 6 और f का टोटल तो पहले से हमको मालूम है वो है 72, तो ये हुआ n और ये हुआ सिग्मा fd। लेकिन मेरा फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। क्यों मैंने c, क्योंकि d लेते वक्त मैंने c फैक्टर का यूज किया है तो चेंज ऑफ स्केल का भी रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज a 62, सिग्मा एफ डी 6, n 72, c 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 12 बाय 72,
तो 62 प्लस 0.1666 इसको मैं 0.17 बोल दूं तो फाइनल आंसर होगा 62.17, लेकिन यूनिट हैज टू बी मेंटेन, तो 62.17 इंचेस। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा हो तो एरिथमेटिक मीन डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन दिस मैं बोल सकता हूं कि होमवर्क में आप अप टू 9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अप टू 9 ये होगा आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए तो यहां पर अपना ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।